गोरी भाभी और काली ननद की शादी। शाम का सूरज बादलों की गोद में समाने को था। बावजूद इसके वो गरीब बनिहारन बहू खेतों में फसल की कटाई कर रही थी। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ती है। अरे ओ रज्जू की बहू, घर नहीं चलना क्या? एक भोर से भूखे प्यासे खेत में खटनी कर रही है। देख अंधेरा होने को है। बस मंदा मौसी आई। अरे जल्दी कर रज्जू की बहुरिया, हर्षु बोल गया है कि मेहनताना खेत के मालिक के द्वार पर ही मिलेगा। गरिमा खेत का काम निपटाकर पैसे लेने निकल पड़ती है। ये ले गरिमा, तेरी दिन भर की दिहाड़ी। जगनलाल काका, आपने मुझे भूल चूक से 500 रुपए दे दिए, मेरी मजदूरी तो 200 है। अरे रख ले बहू, आज तूने दोहरी मेहनत जो की है। शुक्रिया काका। पैसे लेकर वो गरीब बहू राशन पानी का हिसाब किताब करते हुए घर की ओर कदम बढ़ाते हुए बोलती है। दाल चावल खरीदने के बाद मेरे पास थोड़ा पैसा बच जाएगा, इसे बचा लूंगी। कब की घड़ी कैसी। कुछ दूर चलने के बाद उसके पांव एक पुराने घर के भीतर आकर रुकते हैं, जहां कुर्सी पर बूढ़ा अपाहिज ससुर बैठा था। वहीं दूसरी तरफ खटिए पर बीमार पड़ी सास जोर जोर से खांस रही थी। उसके बगल में बैठी निकिता की आंखों में आंसू ठहरे हुए थे। निकिता, क्या हुआ सासू माँ को? पता नहीं भाभी, माँ ने सुबह से एक अन्न का दाना नहीं खाया। निकी रो मत, मैं खाना बनाकर खुद माजी को खिलाऊंगी, ठीक है? तुम चुप हो जाओ। गरिमा झटपट से चूल्हे पर दाल चावल बनाकर अपने ससुर को खाना परोसने ही जा रही होती है कि नशे में चूर उसका पति प्रीतम घर में घुसता है। उसके मुंह से शराब का भपका उठ रहा था, आंखें लाल पड़ी हुई थी। पीले पीले ओ मोरी रानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। आज फिर तू नशे में चूर होकर आया है निकम्मे, अरे बेशरम कुछ तो शर्म कर। अरे जवान बहन घर में बैठी है और तेरे रहते बहू जाकर काम कर रही है, हमें खिलाने के लिए जमींदारों के खेतों में खटती रहती है। तुझ जैसी नकारे औलाद से तो बेहतर होता कि हम बे औलाद रहते। ए बापू, ए खाली मेरी माथा गरम मत कर मेरा, वरना प्रीतम के हाथों तू पिट जाएगा। होश में तो हो? ये क्या तरीका है अपने पिता से बात करने का? क्यों पीते हो इतनी शराब? शराब के नशे में तुम्हें सचमुच में निकम्मा बना दिया है। ये सुनकर नशे में तमतमाया हुआ प्रीतम ताव में आकर उसे खूब मारता है। तभी उसकी नजर बिस्तर पर रखे पैसों पर घूम जाती है। हो गई मेरी बाटली का जुगाड़, शुक्रिया। नहीं, वो पैसे मत ले जाओ। चल हट साले। प्रीतम अपने पैर झड़प कर जख्मी गरिमा को दूर फेंक देता है। तभी राजी छटपटाते हुए अपनी बहू को बुलाकर कहती है। बहू जल्दी से मेरे पास आ, मेरे पास समय नहीं है। ऐसा ना कहिए माँ जी, अपनी बहू को थोड़ा समय दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। जानती हूँ, मगर तेरी सास का समय अब पूरा हो गया है। मैं अपनी बेटी को उसकी भाभी के भरोसे पर छोड़कर जा रही हूँ। अब तुझे अपनी ननद के लिए इस माँ की जिम्मेदारी निभानी होगी। बोल बहू, तू मेरी बेटी का घर बसाएगी ना? हाँ माँ जी, ये भाभी अपनी ननद की शादी का भार उठाएगी। इसी के साथ रज्जो दुख भरी दुनिया से चली जाती है। 2 दिन बाद एक बार फिर प्रीतम घर आता है। भैया तुम निकल जाओ इस घर से, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भाई हो। खामोश खड़ी रहना लायक, अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? तुझे तो मैं बताता हूँ। जैसे ही प्रीतम अपनी बहन को मारने के लिए हाथ बढ़ाता है, गरिमा उसका हाथ रोककर घर से निकालते हुए कहती है। आज से इस परिवार का तुम जैसे पियक्कर से कोई वास्ता नहीं, ये भाभी अपनी ननद और ससुर का भार अकेले उठाएगी। उस गरीब बहू ने अपने सास को दिए वचन को अपने मन की पट्टियों पर लिख दिया था। उसके मन में सिर्फ ननद की शादी की जिम्मेदारी सवार थी। वो भोर के साथ उठकर घर में बहू का फर्ज पूरा करके सारा दिन खेतों में खून पसीना बहाकर काम करती थी। और फिर एक दिन, निकिता ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, ठीक है भाभी? भाभी के कहने पर निकिता जल्दी से तैयार हो जाती है। तभी नालंदा और रूपचंद अपने बेटे के साथ चलकर वहाँ आते हैं। आइए, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी,
ये मेरे ससुर जी है। नमस्ते बहन जी, अरे बैठिए ना। मैं निकिता को लेकर आती हूँ। गरिमा निकिता को लेकर लड़के वालों के सामने आती है, जहाँ निकिता उन्हें चाय नाश्ता परोसती है। तभी नालंदा अपने पति रूपचंद के कानों में फुसफुसाती है। ये मेहमान नवाजी तो चलती रहेगी, अब जरा मुद्दे की बात कर ली जाए। देखो बेटी, वैसे तो हमें ये सौदा मंजूर है, मगर इस गरीबी में तुम अपनी ननद की शादी में दान दहेज दे पाओगी? रूपचंद जी, ये भाभी अपनी ननद का हाथ आपके बेटे के हाथों में दे रही है, इससे बड़ा दहेज और क्या होगा? बहन जी, इस बदनसीब भाभी के कंधों पर पहले ही ससुर और ननद की भूख मिटाने की जिम्मेदारी है। ऐसे में ननद का ब्याह करना ही भारी पड़ रहा है, ऊपर से दहेज की भारी भरकम बोझ का भार कैसे उठाएगी मेरी गरीब बहू? नहीं बाबूजी, ये भाभी दहेज देगी, मुझे मंजूर है। ठीक है, आज से 2 महीनों बाद बारात लेकर आएंगे, चलते हैं। लड़के वालों के जाते ही निकिता कहती है, भाभी आपने हामी क्यों भरी? 2 महीनों में कहां से आएंगे इतने पैसे? अपनी भाभी पर भरोसा रखो निकिता। गरिमा को भले अपनी रातों की नींद ही क्यों ना झोंकनी पड़े, मगर तुम्हारी डोली तय की तारीख पर ही उठेगी। रात का अंधियारा छटते ही वो गरीब भाभी भोर की पहली किरण के साथ ही घर की जिम्मेदारी पूरी करके जगलाल के पास आती है। जय राम जी की काका, कुछ दिनों बाद मेरी ननद की शादी है। सिर्फ फसल की कटौती से बात नहीं बनेगी, आज से मैं पूरे खेत का भाग काटूंगी। मगर ये इतना आसान नहीं है, 4 लोगों का काम तू अकेले कैसे करेगी? हाँ काका, बस बदले में आप 4 जन की दिहाड़ी मुझे देना। गरीब लाचार भाभी सारा दिन भूखे प्यासे फसल काटती है। उसकी आंखों के आगे ननद की शादी की छवि नाच रही थी। वो कभी भट्टी ईंट ढोती तो कभी मजदूरी करती। 2 महीने बाद शादी में 3 दिन ही बच गए हैं। दिन रात जी तोड़ मेहनत करके भी लगभग 3 लाख की रकम जुड़ी है। अभी तो शादी का मड़वा बनाना बाकी है, गांव और बारातियों को भोज भी खिलाना है। हे भगवान, इस गरीब भाभी की लाज रखना, ये सब कैसे होगा? क्यों ना मैं अपने कन्यादान वाले गहनों का सोना पिघलाकर चेन अंगूठी गड़वा दूं और कुछ पैसे मायके से मांग लेती हूँ, और बची बात ब्याह के मंडवे की, तो अपनी ननद के शादी का मंडप ये भाभी अपने हाथों से बनाएगी। अगली भोर गरिमा जंगल से बांस के बड़े बड़े 4 डंडे काटकर शादी का मंडप बनाती है और शादी के दिन तक भूखे प्यासे दहेज का सामान जोड़ती है। साथ ही घर को सजाती है और शादी की शाम अपनी दुल्हन बनी ननद को निहारती हुए कहती है, इस दुल्हन के भेष में कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे मेरी बन्नो रानी को। अपनी भाभी के चेहरे पर खिली खुशी देखकर ननद की आंखें भर जाती है और वो कहती है, भगवान आप जैसी भाभी सबको दे। गरिमा भाभी, आपने अपनी ननद का घर बसाने के लिए अपने भूख प्यास को भुलाकर दिन रात कठोर मेहनत की, इसीलिए आपकी ननद आज दुल्हन बनी खड़ी है। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ भाभी, जो मुझे माँ जैसी भाभी मिली। अपनी ननद की बात सुनकर गरीब भाभी की पलकें भीग जाती है, जिसके बाद लड़के वाले बारात लेकर उसके घर आते हैं और 7 फेरों के साथ गरिमा की ननद की शादी हो जाती है। जाओ निकिता, इस गरीब भाभी की दुआ है कि तुम्हारा नया संसार खुशियों से भरा हो। अपना ख्याल रखना भाभी। आखिरकार गरिमा ने अपनी सास को दिए वादे को खराई से पूरा किया, मगर अभी उस गरीब भाभी के कदम कहाँ रुकने वाले थे, क्योंकि उसके सर पर बूढ़े ससुर की भूख मिटाने की जिम्मेदारी अभी बाकी थी। वो आज भी बिना रुके बिना थके मेहनत किए जा रही है। सुप्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती एक काली लड़की से करवा दी है, मुझे तो उसे देखना भी पसंद नहीं है। अरे यार, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो वो काली कलूटी घर से जाएगी नहीं। जब उसकी सौतन घर पर आएगी तो उसके पास और कोई चारा नहीं होगा। कैलाश अपनी गर्लफ्रेंड सुप्रिया से बात कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उर्मिला अपनी बहू काजल के साथ बैठकर बात कर रही होती है। अरे बहू, तूने ये क्या हालत बना रखी है अपनी। देख, एक औरत को अपने पति को काबू करना आना चाहिए, नहीं तो पति हाथ से निकल जाता है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो भला, मैं ये सब कैसे करूंगी? और फिर कैलाश जी जब मेरे सामने आते हैं तो मुझे तो उन्हें देखते ही शर्म आ जाती है। अरे देख, तू उसे थोड़ा अपनी तरफ खींच, नहीं तो वो तेरे लिए कोई गोरी सौतन उठा के ले आएगा। अगर ऐसा हुआ तो माँ जी आप मेरे साथ हो ना, हम दोनों मिलकर उस लड़की को भगा देंगे।
अरे बहू, तू तो बहुत भोली है। तू नहीं जानती कि आजकल की लड़कियां मर्दों को कैसे रिझा लेती हैं। उर्मिला ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक से उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। माँ जी, आप रुकिए जरा, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। शायद कैलाश जी आ गए होंगे। ऐसा सोचकर काजल दरवाजा खोलने के लिए जाती है। दरवाजे पर कैलाश सुप्रिया के साथ खड़ा होता है। सुप्रिया की मांग में सिंदूर और कैलाश के गले में माला देखकर काजल को ये समझने में देर नहीं लगती कि उसका पति कैलाश उसके लिए एक गोरी सौतन लेकर आया है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ मेरी माँ को बुला कर लेकर आओ, उन्हें कहो कि उनका बेटा उनके लिए बहू लेकर आया है। हाय मुरी दैया, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? कैलाश जी, आप तो मेरे पति हो और फिर आप मेरे होने के बावजूद भी किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? तभी वहाँ पर उर्मिला आ जाती है और कहती है, अरे निकम्मे, ये किस लड़की को उठा कर ले आया है तू घर पर? अरे जरा इसके कपड़े तो देख, लग रहा है जैसे चूहियों ने कुतर दिए हैं। ओहो माँ जी, ये कौन से जमाने की बातें कर रही हो आप? ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। चुप कर जा गोरी छिपकली, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे पति को फंसा लेगी और मैं चुप रहूंगी? अजी आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आप मेरी सौतन घर ले आओगे और मैं चुप रहूंगी? अरे मुझे सीधी सादी मत समझना। कैलाश काजल का काली का रूप देखकर हैरान रह जाता है और उससे कहता है, देखो मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुमसे मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई है। अरे मैं इतना गोरा हूँ तो मेरी पत्नी भी गोरी ही होनी चाहिए ना। मैं सुप्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और आप लोगों ने ये स्वागत किया है मेरी पत्नी का। कैलाश, इससे अच्छा तो हम दोनों मेरे घर पर चलते, कम से कम मेरी माँ हमारा स्वागत तो अच्छे से करती। कैलाश सुप्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। ये सब देखकर काजल रोते हुए अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? आप मुझे अपनी पसंद से लेकर आई थी क्या? कैलाश जी को मैं पसंद नहीं थी, अब मैं अपनी सौतन के साथ एक ही घर की छत के नीचे कैसे रह सकती हूँ? अरे बहू, चिंता क्यों करती हो? इस गोरी छिपकली को तो हम चुटकियों में यहाँ से भगा देंगे। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर और मेरे साथ मिलकर इस छिपकली का अच्छे से स्वागत कर। दोनों सास बहू उस दिन के बाद से सुप्रिया के पीछे पड़ जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुप्रिया मिनी स्कर्ट और टॉप पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर काजल कहती है, हे भगवान, ये आधी नंगी चुड़ैल सुबह सुबह हमारे घर में कहां से आ गई? अरे थोड़ी तो शर्म करो, जमाना थू थू करेगा कैलाश जी के ऊपर। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कैलाश जी तो मुझे ऐसे कपड़ों में देखकर बहुत खुश होते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंग प्रदर्शन करने वाली औरतों को तो मर्द देखता ही देखता है। उर्मिला की बात सुनते ही सुप्रिया को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद सुप्रिया अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम होते होते जब सुप्रिया ऑफिस से वापस घर लौट आई तो उसे बहुत तेज भूख लगती है। अरे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इन दोनों ने कुछ तो बनाया ही होगा, चलो किचन में जाकर देखती हूँ। रसोई में जाने के बाद बेचारी सुप्रिया को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद वहाँ काजल आ जाती है और कहती है, ओहो, तुम्हें खाना चाहिए था क्या? जो भी खाना बचा था वो सब मैंने कुत्ते बिल्लियों को दे दिया, अब तुम्हारे लिए तो खाना ही नहीं बचा, अब क्या खाओगी तुम? सुप्रिया भूख में तड़पते हुए कैलाश के पास जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी उस काली कलूटी पत्नी ने मुझे खाना तक नहीं दिया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अरे स्वीटहार्ट, तुम्हें मेरे होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो आज हम लोग बाहर डिनर करेंगे। ये सुनकर सुप्रिया बहुत खुश होती है, जिसके बाद कैलाश और सुप्रिया डिनर करने के लिए बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी उर्मिला उनको जाते हुए देख पूछती है, अरे इतनी रात हो गई है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? दरअसल माँ जी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ आज बाहर डिनर करने जा रहे हैं। वो क्या है ना, आपकी इस काली कलूटी बहू ने मेरे लिए घर में कुछ भी नहीं बनाया। काजल ये सब अपने कमरे में सुन लेती है, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। उनके जाने के बाद काजल अपनी सास उर्मिला के पास जाती है और कहती है, अरे माँ जी, ये तो उल्टा हो गया, हम तो उसे कैलाश जी से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो बहुत तेज निकली, अब हम क्या करेंगे? आने दे उसको, आज की रात मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। रात को डिनर करने के बाद दोनों वापस घर लौट आते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों के सोने के बाद उर्मिला एक छोटा सा पिंजरा लेकर आती है, जिसमें कई सारे चूहे बंद होते हैं। वो अपनी बहू काजल के साथ मिलकर उन चूहों को सुप्रिया के ऊपर छोड़ देती है और चुपके से वहां से चली जाती है। रात भर चूहों के डर से सुप्रिया सो भी नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ कैलाश गहरी नींद में सो जाता है। अरे कैलाश, उठो,
उठो ना, देखो यहाँ पर इतने सारे चूहे हैं, ऊपर से ये सभी चूहे मेरे ही बिस्तर पर कूद रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है कैलाश, उठो ना। कैलाश गहरी नींद में होता है, जिसके चलते सुप्रिया पूरी रात परेशान रहती है। अगले दिन जब सुप्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उर्मिला उसे देखकर कहती है, क्यों बहुरानी, कैसी नींद आई पूरी रात भर? सुप्रिया सब कुछ समझ जाती है, जिसके बाद वो कैलाश को ये सब बताती है, लेकिन कैलाश उसकी बात का विश्वास ही नहीं करता और वो सुप्रिया से कहता है, अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, अरे वो काली जरूर है लेकिन इतनी चालाक नहीं कि वो तुम्हें परेशान कर सके। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बिल्कुल भीगी बिल्ली है। सुप्रिया कई बार कैलाश को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैलाश उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है, जिसके चलते सुप्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कैलाश से कुछ कहना ही छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ उसके ऑफिस में एक स्मार्ट और हैंडसम लड़का आता है, जिसके बाद सुप्रिया उससे अपनी बातचीत बढ़ाना शुरू करती है। एक दिन सुप्रिया अपने आप से कहती है, अरे मैं कब तक इस काली कलूटी और इस डेंजरस सास को झेलूंगी, ये सब मेरे बस की नहीं है, इससे अच्छा तो मैं किसी अमीर लड़के को पटा लेती हूँ, कम से कम मैं उसके साथ खुश तो रहूंगी और फिर इतने ड्रामे भी नहीं होंगे मेरे साथ। देखते ही देखते सुप्रिया अपने ऑफिस के एक लड़के के साथ शादी करके भाग जाती है। जैसे ये बात कैलाश को पता चलती है, वो रोते हुए अपनी माँ और अपनी पत्नी काजल के पास आता है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो काजल, तुम काली हो लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं, सुप्रिया ने तो 2 दिन में ही मुझे छोड़ दिया, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। अरे बहू, शाम का भूला सुबह जब घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, तू भी अपने गिले शिकवे को मिटा दे और कैलाश के साथ खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत कर। काजल कैलाश को माफ कर देती है, जिसके बाद काजल और कैलाश दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। विजयनगर में रहने वाला किशोर एक गरीब कुम्हार था, जिसका जीवन चाक के इर्द गिर्द ही नाचता था। वो मिट्टी का साज सामान बनाकर उन्हें बाजार में बेचता था, बदले में जो पैसे आते उससे गरीबी में उसका जीवन गुजर बसर हो रहा था। वो अपनी पत्नी सीता और 18 साल की बेटी कोहिना के साथ रहता था। आंगन में बैठा किशोर बर्तन बनाने और निखारने में लगा हुआ था, तभी वहां से गुजरता हुआ धूपन उसे देखकर कहता है, अरे किशोर, अरे क्या बात है, आज तो बड़े भोर सवेरे चाक चलाने में जुट गया, अरे सवेरे सवेरे ही मिट्टी में मैला हो गया। अरे भाई, कुम्हार का शरीर तो बनता ही मिट्टी में सनने के लिए है, और फिर माटी का मोल तो कुम्हार ही जानते हैं। ये तो खरा सच है भाई, और बिटिया की ब्याह की बात बनी कहीं? अरे नहीं धूपन, तू तो जानता ही है कि मेरी मेघा का रंग कितना पक्का है, उसके सांवले सूरत के चलते शादी में सैकड़ों अड़चन बाधा घिर आती है, और कभी कभी तो खुद को कोसता हूँ कि मेरा मटमैला रंग मेरी मेघा को मिला ही क्यों। आकाश मुझ कुम्हार के हाथों की बस की बात होती तो मैं कुम्हार अपनी बेटी के काले रंग को नएपन में निखार देता। ऐसा कहते हुए गरीब कुम्हार की आंखों में आंसू झलक आते हैं, जिसे देखकर धूपन कहता है, भगवान पर भरोसा रख किशोर, वैसे भी ब्याह के जोड़ी बंधन तो स्वर्ग में बनते हैं, अगर तेरी बेटी के ब्याह में देरी है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा प्रतिफल छिपा होगा। ऐसा कहकर धूपन वहां से चला जाता है। तभी कुम्हार की काली बेटी घर के भीतर से आंगन में आती है। लाइए बाबूजी, मिट्टी मैं तैयार कर देती हूँ। अरे नहीं बेटी, तू भीतर जा, आज सूरज की तपीस जीरो पर है। बाबूजी, मेघा का तो नाता ही अंधेरों से है, ये धूप भी मेरे पक्के रंग के आगे फीका है, बस किस्मत की बात है, हजारों साल पहले एक वो काला कमली वाला था जिसके पीछे 5,000 गोपियां सुदबुद गवा कर घूमती थी, और एक मुझ काली बेटी की किस्मत है कि रिश्ते वाले मेरे कालेपन की हंसी उड़ाकर मुझे ठुकरा कर चले जाते हैं। इसी के साथ मेघा की भीगी पलकों से बहती बूंद मिट्टी में मिल जाती है। तभी सुधा बात संभालते हुए कहती है, अरे मेघा बेटी, तू यही है, जा जाकर जंगल से मिट्टी ले आ, तब तक मैं तेरे बाबूजी का हाथ बटाती हूँ। सुधा की बात सुनकर मेघा मिट्टी की ओछी टोकरी माथे पर धर कर जंगल आ जाती है और टोकरी को मिट्टी से भर देती है। तभी एक गाछ पर बैठी कोयल की मीठी धुनी उसके कान में पड़ती है। कोयल, तुम्हारी तान तो बहुत मीठी और सुरीली है, मगर मेरी किस्मत पर तो कालेपन की ना छूटने वाली कालिख लग गई है। मेघा अपने काले रंग को कोस ही रही थी कि एक बेहद ही सुंदर राजा जिसका नाम नरेश था, मर्म लहजे में कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम बेहद सुंदर हो। ये सुनकर मेघा राजा नरेश की ओर निगाह दौड़ाती है। राजा के चेहरे का दूधिया रंगत, भूरी आंखें और माथे की तेज लालिमा उसकी आंखों में समा जाती है। तभी मेघा कहती है, आप कौन हैं? मैं इस विजयनगर का राजा नरेश हूँ। तो आप हो प्रतापी राजा प्रजापत के बेटे,
आप कितने खूबसूरत हैं। तुम भी बेहद सुंदर हो। मगर मैं तो इतनी काली हूँ। सारा दोष हमारे देखने का है। इंसान का सच्चा आईना उसका मन होता है। जो दुनिया के दर्पण से खुद को देखते हैं, वो खुद में कमी पाते हैं। जिस दिन तुम खुद को मन के आईने से देखोगे, तुम खुद को अधूरा नहीं बल्कि पूरा पाओगे। ये कहकर राजा नरेश वहां से चला जाता है। मगर जाते जाते मेघा को असल आईने के मायने बता जाता है। समय बीतता है, फिर एक दिन सिपाही नगर में घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, कल राजा नरेश के 21वें जन्मदिन की खुशी में राजघराने में भोज का आयोजन है। पूरे गांव वाले दावत खाने जरूर आए। ये सुनकर मेघा का मन खुशी से झूम उठता है। कल राजा नरेश का जन्मदिन है। मैं तो इतनी गरीब हूँ कि उन्हें एक कीमती उपहार भी नहीं खरीद कर दे सकती। मगर मैं एक कुम्हार की बेटी हूँ, क्यों ना मैं राजा को एक सुंदर सा गुलदस्ता तोहफे में दूँ। हाँ, ये सही रहेगा। मेघा मिट्टी से एक सुंदर सा गुलदस्ता बना उसे रंग बिरंगे रंगों से रंग देती है। रंग में निखर कर वो गुलदस्ता एकदम जीवंत जान पड़ रहा था। अगली सुबह, माँ देखो ना, मेरा ये सूट तो बिल्कुल फीका लग रहा है, अब मैं क्या पहनूं? मेघा अभी ऐसा सोच ही रही थी कि एक सिपाही दरवाजा खटखटाता है। राजा नरेश ने आपके लिए भेंट भेजी है। जैसे ही मेघा तोहफा खोलती है तो उसमें गुलाबी रंग का एक सुंदर सा सूट होता है, जिसे पहनकर मेघा राजा के जन्मदिन के जश्न में पहुंचती है, जहां राजा की नजर मेघा पर ही घिरी हुई होती है। सभी जन बारी बारी से राजा को तोहफा देते हैं। राजा नरेश, ये छोटा सा तोहफा आपके खातिर। शुक्रिया मेघा। पिताजी, इन सभी ने मुझे कोई ना कोई भेंट दी है सिवाय आपके। क्या मैं इस जन्मदिन पर आपसे कुछ मांग सकता हूँ? क्या आप देंगे मुझे? मांगो नरेश, क्यों नहीं। पिताजी, मैं मेघा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर राज दरबार में सन्नाटा छा जाता है और गुस्से से गुर्रा कर राजा प्रजापति कहते हैं, नरेश होश में तो हो, तुम विजयनगर के राजा हो और ये काली लड़की एक कुम्हार की बेटी, पैर की जूती सर का ताज कभी नहीं बन सकती। अरे राजा नरेश, नगर की कुंवारी लड़कियां आपसे शादी करने के लिए सपने बिछाए बैठी हैं, फिर आप क्यों इस काली कमली का हट किए बैठे हैं? पिताजी, शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक राजा को अपनी शादी के लिए जीवन संगनी चुनने का हक है। मेरी शादी मेघा से ही होगी। बस आपके इस नगरवासी ने उसके काले रंग के कारण इस पर अंधेरा किया हुआ है। क्या सांवले सूरत वालों को शादी करने का हक नहीं? रहने दीजिए महाराज, जब विजयनगर में माटी का मोल ही खोटा है तो इंसानों का मोल क्या जानेंगे। आकाश की मुझ कुम्हार के बस में होता तो मैं अपनी काली बेटी को भी निखार सकता। तब मेरी बेटी को इसके पक्के रंग के चलते कोई भी रिश्ते वाले रौंद कर नहीं जाते। नरेश के सवाल और कुम्हार के कड़वे शब्द सुनकर सभी के चेहरे पर ताला पड़ जाता है, जिसके बाद बड़ी आवाज में सभी कुम्हार की बेटी की शादी का नगाड़ा पीटने लगते हैं। पूरे विजयनगर को फूलों से सजा दो, शादी की तैयारी शुरू करो। राजा प्रजापत के बेटे की शादी है। इस महल में उसके कदम पड़ रहे हैं जिसे मिट्टी का मोल मालूम है, क्योंकि जो मिट्टी का मोल जानता है वो रिश्तों को कभी नहीं रौंदता। अपनी काली बेटी की शादी की घोषणा सुन कुम्हार की आंखें आंसू से तर हो जाती हैं और वो औंधे मुंह धरती पर बैठकर नरेश से कहता है, शुक्रिया राजा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ कुम्हार की बेटी कभी इस राज घराने की दासी भी बनेगी। मगर ये मुझ कुम्हार की बेटी की बड़ी किस्मत है जो उसे राजा की पत्नी का पद मिलने जा रहा है। इसी के साथ पूरे विजयनगर में कुम्हार की काली बेटी की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और शादी का दिन दस्तक देता है। चारों ओर शहनाई की धुनी गूंज उठती है, जिसके साथ दुल्हन के जोड़े में सजी धजी मेघा राजा नरेश के साथ अग्नि के साथ फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाती है, जिसके बाद मेघा अपनी जिंदगी काफी खुशी के साथ बिताने लगती है। किसने सोचा था कि एक कुम्हार की काली बेटी राजा के तख्त की रानी बनकर ब्याही जाएगी। सपनों के शहर मुंबई के एक बेरंग बस्ती में बैजंती और गंगा नाम की गरीब सास बहू रहा करती थी। बस्ती के बाहर एक कूड़ेदान था, जहां दोनों सास बहू दिन भर कूड़ा कचरा बीनकर शाम का सूरज ढलते ही उन्हें भंगार के दुकान पर बेच दिया करती।
बदले में जो 4 पैसे आते उसी से वो थोड़ा बहुत राशन खरीदती और दिन भर में एक दफा ही खाकर गरीबी में अपना जीवन काट रही थी। उस रात दोनों सास बहू खाने बैठी थी। थाली में कुछ रोटियां और प्याज के कुछ टुकड़े थे जिसे दोनों सास बहू बड़े ही चाव से खा रही थी। तभी बहू की नजर दीवार पर टंगे कैलेंडर पर पड़ जाती है। अरे क्या बात है बहू, तूने हाथ क्यों रोक लिया? अभी तो तूने आधी रोटी भी ठीक से नहीं खाई। बस माँ जी, मुझे भूख नहीं है, आप खाइए। अगले ही पल गंगा अपनी बहू की परेशानी भाप कर कहती है, अरे बहू, तू हर दिन कैलेंडर की तारीख देखकर क्यों चिंता करती है? तो क्या करूं माँ जी, आज 30 तारीख है। आप तो जानती है ना कि पिछले 5 महीनों से हमने किराया नहीं भरा। कूड़ेदान में लोहा प्लास्टिक बीन कर जो भी 150 मिलते हैं खाने में ही उड़ जाते हैं, आपको याद है ना? इसलिए पिछले महीने धनी लाल जी ने हमें क्या धमकी दी थी? अरे बहू, जो भाग्य में लिखा होगा वो टलेगा नहीं, इसलिए अपनी किस्मत को भाग्य पर छोड़ दे। गंगा अपनी बहू से ऐसा बोल ही रही थी कि झुग्गी का मालिक धनी लाल घर में घुसकर गरीब सास बहू पर गरजते हुए कहता है, अरे चलो चलो जल्दी से पिछले 5 महीने का किराया निकालो। धनी लाल जी, अभी तो पैसे जुड़े नहीं, हमें थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए, बहुत जल्द हम सास बहू पाई पाई चुकता कर देंगे। पता था मुझे कि इस महीने भी तुम दोनों सास बहू बहाने बनाओगी, मगर इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं पसीजने वाला। अब मैं तुम सास बहू को अपने घर में और बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। धनी लाल जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हम सास बहू को बेघर मत कीजिए, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगी? कहीं भी जाके भरो, मुझे कोई मतलब नहीं, धनी लाल को सिर्फ धन से मतलब है, समझी? सास बहू को धक्के मार कर घर से निकाल कर धनी लाल घर पर ताले की चपत जड़ देता है। लाचार सास बहू ठंड में ठिठुरते हुई सड़क पर चलने लगती हैं। माँ जी, बिना पैसे के अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ राम जी ले जाए बहू। सर्दी की सनसनाती रात में जहाँ दुनिया अपने घर में रजाई ओढ़े सो रही थी, वहीं गरीब सास बहू ठंड में ठिठुरती हुई देर रात सर छुपाने की जगह खोजते हुए दर दर भटक रही थी। और आखिरकार उनके कदम वापस उसी कूड़ेदान के पास आकर रुक जाते हैं। देखिए माँ जी, घना कोहरा घिर रहा है, चलिए कूड़ेदान के उस खाली कोने में बैठते हैं। कोई आसरा ना मिलने पर गरीब सास बहू कूड़ेदान के कोने में बैठकर रात काटने लगती हैं। माँ जी, किस सोच में डूब गई आप? कुछ नहीं बहू, बस अपने नसीब का खेल देख रही हूँ। भरी जवानी में सिंदूर की लाली छीन गई, ऐसे में भगवान ने मुझे लाचार भागन की झोली में एक आस उजागर की। बेरंग जीवन काट कर उसे बरसों की बड़ी तपस्या से बड़ा किया, और जब तू बहू बनकर मेरे आंगन में आई तो लगा जैसे अब सब ठीक हो गया। मगर नियति ने तेरे सुनहरे दामन को भी सफेद लिबास में भरकर लाचार बेवा बना दिया। जैसे तैसे गरीबी में जीवन काट रहे थे, मगर अब तो ठिकाना भी छीन गया। माँ जी, आप ही तो कहती है ना, भगवान जो करता है उसमें कोई ना कोई भलाई छुपी होती है, भगवान पर भरोसा कीजिए। दोनों सास बहू एक दूसरे के दुख को शब्दों से संभालती हैं और सूरज की किरण छिटकते ही फेटा बांध कर लोहा प्लास्टिक बीनने लगती हैं। तभी बैजंती कूड़ेदान के कोने कोने पर नजर दौड़ाती है। क्या बात है बहू, एकदम से तेरा मुरझाया चेहरा गुलाब के जैसे खिल कैसे गया? क्योंकि माँ जी, मुझे घर बनाने का साधन मिल गया, अब इस कूड़ेदान के बदौलत ही बनेगा हमारा घर। अरे बहू, बावली हो गई है क्या? ये कूड़ेदान तो कूड़े कीच से सना हुआ है, इसमें तुझे कौन सा सीमेंट बालू नजर आ गया जो तू घर बनाने की योजना बनाने बैठ गई? हम गरीब सास बहू का बचा खुचा जीवन इस कूड़ेदान के किसी कोने में ही कटेगा। इस बात को गांठ बांध ले, क्योंकि घर बनाने के लिए सीमेंट बालू रेत ईंट की जरूरत होती है, और हमारे तो खाने के लाले हैं, ऐसे घर की नींव धरना नामुमकिन है। माँ जी, जहाँ चाह होती है वहाँ राह खुद ब खुद बन जाती है, हम सास बहू का बसेरा जरूर बनेगा, मगर सीमेंट बालू से नहीं बल्कि प्लास्टिक बोतल से, जिसे बनाने में एक भी पैसा नहीं लगेगा। मगर बहू,
प्लास्टिक बोतल से घर बनाना तो पहाड़ तोड़ने जैसा है। माँ जी, बिना मेहनत किए कोई काम बनता है क्या? कूड़ेदान में प्लास्टिक की 50 बोतल तो आराम से मिलती हैं, इसलिए आज से हम इन्हें बेचने के बजाय इकट्ठा करेंगे ताकि अपना आशियाना बना सके। उसी दिन से दोनों सास बहू प्लास्टिक की बोतलों को बटोरना शुरू कर देती हैं। 15 दिन की बड़ी मेहनत के बाद वह प्लास्टिक की बोतल से कई बड़ी बोरियों को भर लेती हैं। बहू, ये बोतल तो भार में इतनी हल्की है कि हवा के झोंकों को भी झेल नहीं पाएंगी, ऐसे तो ये घर ढह जाएगा। माँ जी, गठजोड़ में बड़ा बल होता है। हम इन प्लास्टिक की बोतलों को धागे से पिरोकर इन्हें एक साथ मिलाएंगी और फिर घर का घरौंदा तैयार करेंगी। गंगा अपनी बहू की भरपूर मदद करती है। गरीब सास बहू ठंड की मार झेलकर भूखे प्यासे प्लास्टिक की बोतल से घर बनाने में लगी होती हैं। भूख ने सास बहू का बुरा हाल कर दिया था, मगर उनकी आंखों के आगे से सर पर छत पाने की छवि धुंधली पड़ने की बजाय बरकरार बनी हुई थी। पहले ही दिन दोनों दो दीवार तैयार कर देती हैं। बस कर बहू, आज के लिए बहुत है, बाकी का काम कल करेंगे। मैं कुछ खाने को खरीद लाती हूँ। गंगा अपने पल्लू में बंधे 20 रुपए से बनिए की दुकान से 2 डबल रोटी खरीद लाती है। दोनों सास बहू वही खाकर काम चलाती हैं और अगली सुबह फिर घर बनाने में जुट जाती हैं। जहां बहू बोतलों का गठजोड़ बांधती है, वहीं सास दरवाजा बना रही होती है। जाड़े में उनके पांव जमीन में जमते जा रहे थे, मगर आंखों में बंधी अपने घर की आस घटने का नाम नहीं ले रही। दूसरे ही दिन घर की चारों दीवार पूरी हो गई। दिन बीतते गए और सास बहू मेहनत करती गई। आखिरकार कई दिनों की कोशिश के बाद उनका प्लास्टिक का घर बनकर पूरा हो गया। वह पल देखने लायक था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता बहू कि हम सास बहू के सर पर छत बन गई। माँ जी, ये प्लास्टिक बोतल से बना घर हमारी बड़ी मेहनत का प्रतिफल है। भगवान जिसे गरीब बनाता है उसके हाथों में कला कूट कूट कर भरता है। आज हम गरीब सास बहू के पास पुख्ता तौर से ठिकाना है, अब हमें ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। हाँ बहू, अब हम सास बहू बेघर नहीं है, हमारे पास भी घर है। प्लास्टिक बोतल से बना घर बेहद ही प्यारा प्रतीत हो रहा है। बोतलों का नीला रंग रात के अंधेरे में कोहिनूर हीरे के जैसे रोशनी बिखेर रहा था, मानो आसमान की चांदनी धरती पर चिपकी हुई हो। उस रात बरसों बाद गरीब सास बहू बगैर किसी चिंता की नींद की गोद में सर रखकर सोई हुई थी। सास बहू की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी, जो कठिनाइयों में घिर कर और राहों में गिर कर उठने की कोशिश करता है, कामयाबी उसके कदम जरूर चूमती है। कुछ भूत और चुड़ैल जंगल में झरने के पीछे की ओर रहती थी, जहां मोहना नाम की एक चुड़ैल की 3 चुड़ैल बेटियां थीं। उनमें से पारुल नाम की चुड़ैल बहुत गोरी थी, जबकि 2 चुड़ैल बहनें मारिया और शराया बेहद काली थीं। ऐसे ही एक दिन, माँ बहुत भूख लग रही है, आज आपने क्या बनाया है? माँ, आज मुझे आपके हाथ के आलू का पराठा खाने का मन कर रहा है। क्यों, तुम दोनों ने ज्यादा राशन ला कर रख दिया है? जो तुम्हारे पसंद के आलू के पराठे बनाओ, जब देखो मुंह पार के खाने की डिमांड करती हो। सादे पराठे बनाए हैं, वही चाय से टूसना। मम्मा, आपने मेरे लिए टेस्टी सा बेसन का एक्स्ट्रा वेजीज डालकर चीला तो बनाया है ना? हाँ बेटा, सब तेरे लिए बनाया है, तू मेरी गोरी बेटी है ना। इन दोनों कालियों के लिए मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता, शक्ल ही ऐसी है काली सी। हाँ माँ, वो तो है। अरे आपने काली अमावस का चांद देखा? वो भी कम से कम गोरा है, चमकता है, पर इनकी शक्लें देखो, काले काजल के ठप्पे जैसी हैं। बहुत मजाक उड़ाते हैं आसपास के सभी लोग मेरा, इन दोनों काली बहनों की वजह से। अरे तुम दोनों थोड़ा अलग रहा करो मेरी गोरी बेटी से, समझी ना। माँ हमें ऐसा क्यों बोल रही हो? आपने ही हम दोनों बेटियों को जन्म दिया है, इसमें हमारी क्या गलती है जो आप बचपन से लेकर अभी तक हमें इतना सुना रही है? तब भी हमें कोई प्यार नहीं करता था और अब भी आप ऐसे ही भेदभाव कर रही हैं। माँ हम दोनों भी आपके प्यार के लिए तरस रहे हैं, हमारा भी बेसन का चीला खाने का मन कर रहा है, आप क्यों करती हैं हमारे साथ ऐसे? हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की मुझसे इस तरीके से बात करने की? भूल गई मैं तुम्हारी माँ हूँ। ओह गॉड, मम्मा मुझे खाना दो। दोनों काली बहनें मोटे मोटे आंसू निकाल कर रोती हैं, पर उसमें उन दोनों का कोई दोष नहीं था, जिसकी उन्हें सजा मिलती है। जब भी दोनों बहनें बाहर जाती थी तो आसपास के भूत और चुड़ैल उनका मजाक उड़ाते थे। ऐसे ही शाम को दोनों बहनें झरने से पानी लेने गई थी कि वहां पर मौजूद बाकी के भूत चुड़ैल कहते हैं,
ओहो देखो तो दोनों काली काली बहनें आई हैं यहाँ पर पानी भरने, कहीं इनके छूते ही झरने का पानी काला ना हो जाए। मैं तो कहता हूँ इन्हें भगा दो, इनकी शक्ल देखकर मुझे उल्टी सी आती है। ये तुम लोग कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो, तमीज नहीं है बिल्कुल भी। ओहो देखो तो अब ये हमें तमीज सिखाएंगी काली काली अम्मा। अरे जब इनकी अपनी माँ इन्हें घास नहीं डालती तो हमसे उम्मीद करने की क्या जरूरत है। बस नरेश हद से ज्यादा बोल गया तू, जुबान पर लगाम दे। चलो चलो जल्दी से पानी भर कर जाओ, तुम लोगों की ये काली बदसूरत गोबर जैसी शक्ल और नहीं देखी जाती। उन चुड़ैलों की बात सुनकर दोनों बहुत दुखी हो जाती है और जब आगे जाती है तो दोनों कीचड़ में फिसल कर गिर जाती है। तभी उन्हें देख कर दो भूत हंसते हुए कहते हैं, अबे यार ये दोनों काली चुड़ैल कीचड़ में गिर गई, अब तो इनकी और शक्ल नहीं दिखेगी। अबे तो पहले कौन सी दिखती थी, बस सफेद आंखें चमकती थी, तब भी तो कीचड़ जैसा ही मुंह था। अबे नहीं गटर जैसा था। सुनाया हम तो इस कीचड़ में गिरकर बहुत गंदे हो गए हैं, हम जल्दी से घर चलते हैं कहीं कोई और हमारा मजाक ना बनाने आ जाए। तभी वहाँ दो काले भूत गोपाल और ब्रजेश आकर कहते हैं, क्या हो गया तुम दोनों को, जब मदद नहीं कर सकते तो दांत फाड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या कौन कर रहा है, काली चुड़ैलों की मदद करने वाले काले भूत आए हैं। तभी वो दोनों भूत बदमाश अरविंद और मनोज को मारते हैं। फिर ब्रजेश गोपाल उन दोनों को अपना हाथ देकर उठाते हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारी मदद करने के लिए। अरे नहीं नहीं ये तो हमारा फर्ज था। देखिए आप दोनों इन लोगों का बुरा मत मानिए, क्योंकि ऐसा लोग हमें भी कहते हैं। आप दोनों बस अपने मन की करा कीजिए, भूत चुड़ैलों का तो काम है बोलने का, और आप दोनों दिल से बहुत खूबसूरत हैं। आपने हमें समझा उसके लिए शुक्रिया, आप दोनों भी बहुत अच्छे हैं बाकियों से। ऐसा कहकर दोनों घर चले जाते हैं। वहाँ मोहना कहती है, अब तुम तीनों बड़ी हो गई हो तो तुम्हारी शादी करानी होगी, मुझे मेरी बेटी पारुल को तो अच्छा भूत मिल जाएगा, पर तुम दोनों काली अम्मा का क्या करूँ मैं। माँ बार बार हमें काली क्यों बोलती है, दुनिया में कोई भी ऐसा भूत होगा जो हम दोनों को अपनाएगा। ओहो खैर जो भी हो माँ, आप मेरे लिए राजकुमार सा भूत लेकर आना जो मुझे पलकों पर बिठा कर रखेगा। तुम इतनी भारी हो कि उसकी पलकों से गिर जाओगी। मारिया जुबान संभाल कर। मैंने कुछ गलत नहीं कहा माँ। कल लड़के भूत वाले तुम तीनों काली पीली कोई चुड़ैल को देखने आ रहे हैं, तैयार रहना। उसकी ये बात सुनकर तीनों अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन तीनों को देखने भूत वाले आते हैं। कोई काली चुड़ैलों से शादी नहीं करना चाहता था और पारुल को उसका भूतिया दूल्हा मिल गया था जो उसी की तरह गोरा था। अगले दिन और भूत उन दोनों काली बहनों को देखने आते हैं और कहते हैं, ओहो इतनी काली चुड़ैल को मैं अपनी बीवी नहीं बना सकता। और मुझे भी शादी नहीं करनी। मुझे तो पता था कोई तुम दोनों से शादी नहीं करने वाला। तभी ब्रजेश और गोपाल भूत वहां आकर कहते हैं, कोई शादी करे ना करे पर हम जरूर करेंगे, मैं मारिया से बहुत प्यार करता हूँ। और मैं शनाया से, आप हमारी शादी उनसे करा दीजिए। वो तो ठीक है पर दोनों काली बेटी कम थी कि तुम दो काले दामाद और आ गए। हम दोनों बहनों को भी मंजूर है। काली बहनों को काला पति मिला, चलो मेरी माँ के बोझ को कोई तो ढोने आया। अगले दिन ही तीनों चुड़ैलों की हल्दी का प्रोग्राम था। जहां उन दोनों को कोई हल्दी नहीं लगा रहा था वहीं सारी हल्दी गोरी चुड़ैल को लग जाती है और मोहना कहती है, अब तुम दोनों पर तो हल्दी का रंग चढ़ने से रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना पारुल को ही लगा दूं। मारिया हम दोनों ही एक दूसरे को हल्दी लगाकर रस्म पूरी कर लेते हैं। हाँ बहन। इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे के हल्दी लगाती हैं और मेहंदी भी। नाच गाना होता है और तीनों चुड़ैलों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के पग फेरे के लिए तीनों घर वापस आती हैं तो पारुल फिर से उसे नीचा दिखाते हुए कहती है, शनाया मारिया तुम दोनों ऑलरेडी काली हो, कम से कम गोरा पति तो चुन लेते जिससे तुम्हारी कम बेइज्जती होती। पारुल रंग का क्या है, वो तो लाल पीली होती रहती है मेकअप से भी, हम मेकअप करके भी गोरे बन सकते हैं, पर असल में दिल गोरा होना वो बड़ी बात है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा दिल बेहद काला है। हाँ हमारा पति जैसा भी हो हम दोनों को बहुत प्यार करता है, मारिया भी खुश है और मैं भी, जो बोलो वो ही ला कर देते हैं हमें। अच्छा पर मैंने अपनी जान को ब्रांडेड पर्स ला कर दिया है, क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें दिलाया है।
शनाया के हाथ में वो पर्स देखा है, अमेरिका से मंगवाया है मैंने। और मारिया के जूते देखो, मैंने पेरिस से मंगवाए हैं, तो इस टुच्ची से ब्रांड की क्या बात करना। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, रामाजी पहली बार आए हैं। ये लोरा का बेटा खीर पूड़ी कचौड़ी खाओ, और तुम दोनों ये एक थाली में से ही काम चला लेना। वो क्या है ना, खाना खत्म हो गया। आप दोनों हमें माफ करना, माँ हमारे साथ भी ऐसा ही बर्ताव करती है, इन बातों को दिल से मत लगाना। मेरा जी घबरा रहा है। ऐसा कहते ही मोहना उल्टी कर देती है, घिन करके राका वहाँ से चला जाता है और पारुल मुंह पर हाथ रख लेती है। बेटा मेरी तबीयत खराब हो रही, जरा पानी लाना पारुल। जी आपको ऐसे देखकर मुझे उल्टी आ रही है, मैं तो कुछ काम नहीं करने वाली। शनाया मारिया तुम पानी दे दो, मैं जब तक बाहर हूँ। मारिया माँ की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, डॉक्टर को बुला लेना होगा। तू पानी ले आ, मैं साफ करती हूँ। मैं बुलाता हूँ। ऐसा कहकर मारिया मोहन को पानी पिलाती है और शनाया उल्टी साफ करती है। डॉक्टर भूत आकर मोहना की तबीयत चेक करता है, तभी गोरी बेटी और दामाद भी आ जाते हैं। माँ अब तो आप ठीक हो ना? आपको कुछ चाहिए माँ जी? तुम दोनों से मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती पारुल, तुझे इतना प्यार दिया मैंने और तू मुझे ऐसे समय में छोड़कर चली गई। मेरी सेवा पानी मेरा ख्याल मेरी इन दोनों बेटियों ने रखा है और दामाद ने भी। बेटा मैंने तुम चारों के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम चारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। माँ मुझे अपनी गलती का एहसास है। शनाया मारिया ब्रजेश गोपाल आप चारों मुझे माफ कर दीजिए, अब से हम तीनों बहनें मिलकर रहेंगी। माफ किया। तब से तीनों चुड़ैल बहनें और दामाद सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।